Now, let me go down to teach you synthesis of the first compound, right? First compound is pyridate and oxide. This is the structure, right? Now, this can be obtained directly using pyridine. So, my raw material is pyridine. This is my raw material. And I am going to add peracetic acid, or I will be adding hydrogen peroxide. PAA stands for peracetic acid. COO3. There are COO3, three oxygens. This is a peroxy radical. Now, straight away, when this okay, let me rejoin this back. अबे सो यार थोड़ी दिन टाइम बाद हो जाएगा ना क्लियर. बीच बीच में इतना क्यों डिस्टर्ब कर रही है? अरे क्लियर ना हो तेरा नेट नहीं चल रहा है. तेरा नेट नहीं चल रहा है बेटा. सबका वही सीन है, तेरा नेट नहीं चल रहा है. चिल्ड्रन इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. ओके लेट मी टीच यू द नेक्स्ट रिएजेंट इज फॉर एसिटिक एसिड. फॉर एसिटिक एसिड हैज थ्री ऑक्सीजंस 1, 2, and 3, जिसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है एंड नाउ यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ पिरिडिन एंड ऑक्साइड. सो फाइनली आई हैव बीन एबल टू सिंथेसाइज माय पिरिडिन एंड ऑक्साइड, राइट? दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल वन स्टेप सिंथेसिस ऑफ पिरिडिन एंड ऑक्साइड. लेट मी स्टार्ट विद द सेकेंड कंपाउंड, दैट इज योर क्विनोलिन. So, going for quinoline structure, quinoline synthesis, I want to reach to such kind of a structure. ठीक है? बच्चा लो, अभी देखो, how to memorize synthesis in the classroom itself, I am giving you certain tricks. Finally, आपका जो target molecule है, आपको ये structure आपको बनाना है. तो आप इसका टारगेट मॉलिक्यूल पे एक आंख रखोगे एंड द सेकेंड आई विल बी फाइंडिंग इन योर ब्रेन व्हाट कैन बी द रॉ मटेरियल, राइट? सो कीप योर वन आई ऑन दिस टारगेट मॉलिक्यूल एंड वन आई आई एम थिंकिंग व्हाट कैन बी द स्टार्टिंग मटेरियल. ओके अब मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, दिस इज सिमिलर टू पिरिडिन. लेकिन पिरिडिन क्या है? एक इनर्ट सॉल्वेंट है. पिरिडिन किसी भी रिएक्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा. सो दैट मींस एज ऑफ नाउ आई कैन नॉट यूज पिरिडिन. आई कैन यूज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू दिस व्हिच आई कैन थिंक ऑफ इज ऑफ एनिलीन. ठीक है, एनिलीन का समझ में आया. नाउ अपार्ट फ्रॉम एनिलीन आई हैव टू सिंथेसाइज दिस बेंजीन रिंग. तो बेंजीन रिंग सिंथेसाइज करना है और वन ऑफ द पार्ट कैन बी एनिलीन. तो इसका मतलब है मुझे कहीं पर साइक्लाइजेशन करनी पड़ेगी. साइक्लाइजेशन करनी पड़ेगी यानी कि मुझे एक ऐसा एलिफेटिक कंपाउंड चाहिए जिसमें से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दूं तो साइक्लाइजेशन इजी होता है. सो दैट फर्स्ट रॉ मटेरियल स्टेप नंबर 1 गोज इन दिस वे, CH2, CH2, OH, OH, OH. Can anyone identify the molecule for me, please? Have you come across this kind of a molecule? कोई बात नहीं. This molecule is glycerol. Ma'am, okay. Can you use naphthalene for this? Naphthalene, see, aromatic compounds are very, very stable in nature. So, अगर रिंग को तोड़ना है, वो भी दो रिंग्स को तोड़ना है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका कॉस्ट बढ़ेगा. तो योर इंडस्ट्री विल नॉट रन इनटू प्रॉफिट, इट विल गो इनटू लॉस. तो कभी कभी ऐसे करो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करो
उनको ज्वाइन करने की कोशिश करो, और साइक्लाइजेशन के यूज से हम बड़े मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते हैं। कभी कभी बड़े स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट ही जाना इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर को अटैक करना ईजी जाता है। बट इट्स अगर यस थैंक यू ओके सो नाउ आई एम टेकिंग ग्लिसरॉल एंड आई एम गोइंग टू एड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज H2SO4। मतलब क्या? ये रिमूव करेगा वॉटर मॉलिक्यूल। We all know H2SO4 is a very very good dehydrating agent. ठीक है, अब वॉटर मॉलिक्यूल निकालना है, उसमें भी दो वॉटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो चलो सॉरी दिस इज नॉट टू, वन मिस्टेक फ्रॉम मी बेटा, दिस इज वन एच ओनली। ठीक है, कार्बन का वैलेंसी 4। ओके सो लेट मी रिमूव अ वॉटर मॉलिक्यूल। दिस वे OH गया एक, देन इसमें हमको ये गया एक हाइड्रोजन यहां से गया, या फिर एक हाइड्रोजन यहां से निकालती हूं मैं, देखते हैं। अभी वाटर मॉलिक्यूल निकालने के हैं मुझे दो, ठीक है। अब दो निकालने के लिए एक यहां से, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले जरा कैलकुलेट करके बता सकते हो? सी OH OH, ठीक है। तो वन वाटर मॉलिक्यूल H प्लस एंड OH माइनस, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला। अब मैंने क्या बोला, यहाँ का O और यहाँ का O बच गया। वन हाइड्रोजन इज गोइंग फ्रॉम हियर एंड वन हाइड्रोजन इज गोइंग फ्रॉम हियर, सो दैट मीन्स यू विल बी लेफ्ट विद CHO। CHO group, if you remember your fundas very very nicely, it is aldehyde group. Everyone remembers aldehyde group is CHO. तो बचा क्या? इसका एक वैलेंसी कम हो गया, इसका एक वैलेंसी कम हो गया, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा CH, टू डबल बॉन्ड CH, C, this oxygen is remaining over here, O, and you have H. This structure is acrolein. This structure is acrolein. What I did, I will recapitulate it to you once more. Please pay attention to it. I want to synthesize this type of a molecule. So I have one structure in my head, that is my aniline structure, but I want help for this benzene ring. So what can I do to establish this benzene ring can be, I can take a small aliphatic compound, that is glycerol. Let me put a dehydrating agent, that is sulfuric acid. And after I put my sulfuric acid, two water molecules are eliminated at the respective positions. Finally, I am left with acrolein. Ab bari aati hai next molecule ko lene ki. This is step number one. This is step number two. This is your structure, aniline. NH2. This is your molecule, which is aniline. ठीक है, अब aniline को acrolein के साथ में जोड़ने की कोशिश करो, right? So CH2 double bond, CH single bond, C double bond to H. Now see बच्चा लोग, double bond को पहले तोड़ना चाहिए technically, और because double bond is getting broken, you will have one free valency over here. You will have one free valency over here. So, what aniline will do, one proton from this will be migrated to the next position, and this nitrogen will be migrating towards carbon. So now, I'm going to write down my structure in such a fashion that you will be able to see a cyclic compound formation. So coming back to my next step, this is my this benzene ring. You have your nitrogen. Then you have your one hydrogen over here, which is left. Then you, Sagar, is this part visible to everyone? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. Okay, I'll write it over here. Is it okay, beta? Yeah, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So please pay attention to what I'm doing. Is I'm going to cyclize, right? साइक्लाइजेशन होना चाहिए यहाँ पे स्टेप पे। ये है हमारा एनिलीन का ग्रुप,
जो कि अभी मैं माइग्रेट कर रही हूँ नेक्स्ट पोजिशन पे दिस वे. लेट मी राइट इट दिस वे. N, this is cyclic compound. Then you have your, yes, nitrogen यहाँ पे जुड़ रहा है. So you have one carbon atom. Then you have double bond. Then you have carbon atom. Then you have your aldehyde group. C, double bond O, and then your H. Can you see a cyclic compound formation? Can you see? Yes, ma'am. Yes. So see, one eye over here, one eye over here. So I'm very close to this type of a molecule. Now, next step mein kya hai? I need to get rid of this aldehyde group and I need to cyclize this part so that my quinoline structure can be very much synthesized successfully. Are you getting my point? Everyone? Yes. So now, how do I get rid of this structure, that aldehyde group? Straightforward. What I will do is, I will have acid hydrolysis. Okay, acidic medium mein kya hota hai? Dehydration. So removal of water can take place. Okay, removal of water can take place. Can you see a hydrogen sitting over here? Yes, we can see the hydrogen sitting over there. Can I remove this hydrogen, this and this? In order to remove a water molecule? Yes, I can. So now, what will happen is, finally, I am coming close to my structure of quinoline. This is my benzene ring. Then this double bond will be shifted over here to stabilize this ring. And finally, I have synthesized my quinoline. So, In three steps, I have taught you the synthesis of quinoline. And I am going to recapitulate it once more. Okay. So this hydrogen was remaining, right? Yes. So ye hydrogen, and you will be using an oxidant. An oxidant called as nitrobenzene. Okay. This oxidant will remove this hydrogen. And then finally, this hydrogen with nitrogen will be set free for the cyclic compound formation. Okay? So, yahan ka jo nitrogen aur H bacha tha, uska bhi we have got rid of this in the third step. So, finally, I will explain to you this synthesis once more. Pay attention very, very carefully. Pehle maine kya kiya? Maine one eye have put over here. Okay. Now, I'm talking about glycerol, a small compound. And I'm adding a dehydrating agent to get rid of the water molecules. In the first step, two water molecules are eliminated, forming a structure of acrolein. Acrolein structure and aniline structure will come down and combine with each other. Now you have the formation of such a compound, which I have written over here. It is going into cyclization. Okay, benzene ring hai, ye cyclization mein form ho raha hai. Once I do acid catalysis and I use an oxidant called as nitrobenzene, finally, I have the formation of my structure of quinoline. Are you able to see the board, children? Yes, yes, ma'am. It is clear, no? No issues, right? Yes, ma'am. Good. Okay. So, write down the question. Give a short note on Scrub synthesis. The name is Scrub synthesis of quinoline. Scrub synthesis of quinoline. इसका मतलब है वो पूछ रहे हैं how do you synthesize quinoline? तो आपका जो molecules first है glycerol, then next molecule is acrolein, then aniline, finally you are going to cyclization. And this is the formation of quinoline. Is this much very clear to everyone, bachalo?